युवा सेवा एवं खेल विभाग के माध्यम से सिंथेटिक ट्रैक अणु में लड़कों और लड़कियों के दो आयु वर्ग की जिला स्तरीय लंबी व मध्यम दूरी की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हमीरपुर से जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा ने शिरकत की। 5,000 मीटर दौड़ में छात्रा अंडर 19 वर्ग में शिवाली ने प्रथम, ऋचा ने द्वितीय और राशि ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं अंडर 19 छात्र वर्ग में रोहित ने प्रथम, सौरव ने द्वितीय और विशाल ने तृतीय स्थान हासिल किया। अंडर 15 छात्रा वर्ग में 3,000 मीटर दौड़ में शगुन ने प्रथम, रितिका ने द्वितीय और यशिका ने तृतीय स्थान हासिल किया। छात्र वर्ग में अंडर 15 में 3,000 मीटर में आदित्य ने प्रथम, अतुल ने द्वितीय और सुजल ने तृतीय स्थान हासिल किया। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी पूर्णचंद कटोच ने बताया कि 3,000 मीटर दौड़ में 13 से 15 वर्ग में लड़के और लड़कियों ने भाग लिया है। 5,000 मीटर में 16 से 19 आयु वर्ग के लड़के लड़कियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि 200 प्रतिभागियों ने इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। प्रत्येक वर्ग में जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 6,000, 5,000 और 4,000 की नगद पुरस्कार राशि भी दी गई। इन विजेताओं को अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी दिया जाएगा। युवा सेवाएं खेल विभाग द्वारा 3,000 और 5,000 मीटर की दो वर्गों में करवाई जा रही है, जो 13 से 15 और 16 से 19 साल के। ये हमारा हर साल होता है। एक साल कोविड-19 की वजह से ना करवा सके, और इसमें हमने प्राइज रखा है। फर्स्ट प्राइज 6,000, सेकेंड प्राइज 5,000 और थर्ड प्राइज 4,000 रुपया। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स में बराबरी सभी को है, और सभी जिले से 200 के करीब बच्चे आए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि बच्चे अपना बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और हमारी युवा सेवा खेल विभाग की तरफ से हमारे कोचिज ने बहुत ही अच्छा यहाँ कार्यक्रम में इनको सुचारू रूप से चलाया हुआ है। हमारे एथलेटिक कोच रवि, अपने राजेंद्र धीमान जी, विक्रम जी, और हमारी हॉकी कोच तभी, और हमारे यहाँ सीनियर कोच भी आए हुए हैं पटियाला, हमारे साई से केर सिंह पटियाल और कुलदीप ठाकुर जी और भूपेंद्र ठाकुर, जिन्होंने यहाँ आके, और हमारे जितने भी ऑफिशियल डीपीज को हमने यहाँ डिप्यूट किया था, उन्होंने बड़ी खूबी से इस प्रतियोगिता का संपन्न करवाया है। बहुत ही बढ़िया है, और हम चाहते हैं कि यही बच्चे अगले जो हमारा स्टेट लेवल का यहाँ फंक्शन हो रहा है, उसमें भी ये बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लें। 29 तारीख को यहीं ये यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें हमने स्टेट लेवल का, यही प्रोग्राम जो स्टेट लेवल का यहाँ हो रहा है, उसमें हमने इनको 15,000 रुपया, 10,000 रुपया और 8,000 रुपया इनामी राशि है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अच्छा प्रदर्शन करें। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 29 दिसंबर को अणु में ही आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहले 3 स्थान आने वाले धावकों को 15,000, 10,000 और 8,000 की नगद राशि दी जाएगी। इस मौके पर जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा ने कहा कि धावकों ने 3,000 और 5,000 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 60,000 रुपये के नगद इनाम विजेताओं को वितरित किए गए। खेल प्रतियोगिता जो हमारे एथलीट्स हैं 3,000 मीटर और 5,000 मीटर, उसमें दो प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें बच्चे जो हमारे गर्ल्स और बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें लगभग 60,000 रुपये के इनाम जो है इन कैश दिए गए बच्चों को। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया गया उसमें लगभग 5,000 से 3,000 के बीच में, 6,000, 5,000 और 3,000 प्रत्येक प्रतियोगिता श्रेणी में जो है इनाम दिए गए बच्चों को, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रह गए। इस तरह से हमारे जिले में लगभग 200 बच्चों ने जो पार्टिसिपेट आज इन गेम में किया है, तो मैं उनको बेस्ट विशेष देता हूँ कि जिला स्तर पर जो उन्होंने नाम कमाया वो आगे भी स्टेट नेशनल लेवल पर कमाएँ और हमारे देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें।